आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। शेयर बाजार में इस समय करेक्शन चल रहा है। यूक्रेन क्राइसिस के कारण एक दिन में शेयर बाजार में 3-4% तक गिरावट और उसी रफ्तार में रिकवरी देखी जा रही है। ऐसे में निवेशकों को पता नहीं चल पा रहा है कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बाजार में किस स्तर पर खरीदारी करनी है, किस सेक्टर और कैसे स्टॉक्स में खरीदारी करनी है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने शेयर बाजार के निवेशकों को खास टिप्स दी हैं। इसका कहना है कि निवेशकों को अभी बारबेल स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। इस स्ट्रेटेजी में हाई रिस्क और नो रिस्क स्टॉक्स में निवेश की सलाह दी जाती है। मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न वाले स्टॉक्स से बचने की सलाह दी जाती है। मार्च में जारी अपने नए नोट में मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि कच्चे तेल में ऐतिहासिक तेजी के बावजूद भारतीय बाजार का प्रदर्शन ठीक रहा है। इसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का बड़ा योगदान है। पिछले 6 महीने में FPI बिकवाली कर रहे हैं, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसी रफ्तार से खरीदारी कर रहे हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि तेल के भाव के आधार पर अभी भारतीय शेयर बाजार बियर मार्केट में है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी करता है तो इसका भी बाजार पर असर दिखाई देगा। साल 2022 में शेयर बाजार के प्रदर्शन को लेकर मॉर्गन स्टैनली ने अपने पुराने अनुमान को रिवाइज किया है। इसका अनुमान है कि वर्तमान स्तर के मुकाबले दिसंबर 2022 तक सेंसेक्स में 16% की तेजी आएगी और यह 62,000 के पुराने स्तर तक दोबारा पहुंच सकता है। हालांकि यह उसके पुराने अनुमान से 11% कम है। पुराना अनुमान 70,000 का था। अगर बाजार में बुल रन फिर से शुरू होता है तो इस साल के अंत तक सेंसेक्स 75,000 के स्तर तक पहुंच सकता है। पुराना अनुमान 80,000 तक पहुंचने का था। बुल मार्केट के लिए कई फैक्टर्स अहम हैं। सबसे पहले कोरोना की नई लहर नहीं आनी चाहिए। यूक्रेन क्राइसिस का जल्द हल निकले जिससे कच्चे तेल में जारी तेजी पर विराम लगे। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी को लेकर किसी तरह का फैसला ना करे। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 के बीच अर्निंग ग्रोथ 25% का सालाना कंपाउंडिंग होना चाहिए। इसने फाइनेंशियल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को पीक किया है। यूटिलिटीज, एनर्जी और मटीरियल सेक्टर को कमतर आंका गया है। हेल्थ केयर पर दबाव रहेगा, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगी। शेयर की बात करें तो इसने इंफोसिस और टेक महिंद्रा को अपनी विश लिस्ट में शामिल किया है। टाटा स्टील और NTPC को पोर्टफोलियो से दूर रखने की अपील की है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।